आहार निंद्रा भय मैथुनम च समान मे तत्पशुभि नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशुभि समाना। आपका जीवन क्या है सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। आप भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। आप भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। आप भी बच्चा जन्माते हैं, जानवर भी बच्चा जन्माते हैं। आपको भी डर है कहीं मेरा धन न लूट जाए, कहीं मेरा बेटा न मर जाए, या कहीं मेरा पत्नी न भाग जाए, कहीं मेरा घर न लूट जाए। आपको भी डर है, उसी तरह जानवर को भी डर रहता है, कहीं आके मेरे को गोली न मार दे कोई, मेरे बच्चे को कोई न ले जाए, मेरा यहाँ पे पिंजरा न उजाड़ दे कोई। तो जिस तरह आपको डर है, भय है, उसी तरह जानवर को डर भय रहता है। जो जानवर कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि धर्मे नहीं पशु भी समाना। अगर आप धर्म नहीं कर रहे हैं तो आप पशु के समान इस जीवन में व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं। धर्म सोनिष्ठ तपुंसाम विश्वक सेना कथा सुया न उत्पाद यद्रतिम श्रम ही एव केवलम। यदि आप भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं, खाली अपना जीवन बिताने के लिए काम करते हैं, तो यह श्रम ही एव केवलम, केवल एक परिश्रम रह जाएगा। इसमें कोई आपको नफा नहीं होगा, कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य जीवन का कोई बहुत ऊपर उद्देश्य है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसीलिए मनुष्य जीवन दिए है, नहीं तो आपको भी पशु योनि देते, क्यों मनुष्य योनि देते। इसीलिए सबसे प्रार्थना है कम से कम 24 घंटा में 24 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट पूजा कर लीजिए, 10 मिनट नाम जप लीजिए। इसमें कोई आपका घर उजर नहीं जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा, बरु आप नफा ही नफा, बेनिफिट्स नफा ही नफा है। इसीलिए भगवान को स्वीकार कीजिए और धर्म का पालन कीजिए। परोधर्म भगवान कृष्ण के भक्ति ही है, परोधर्म है। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म आपका पत्नी का सेवा करना, बच्चों का सेवा करना, लेकिन परोधर्म भगवान विष्णु की भक्ति है। हरे कृष्ण।